राम राम दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, जो हमारी डेली करंट अफेयर हरियाणा जीके की जो क्लास चलती है उसमें एक बार फिर मैं आपके सामने रूबरू हूं। बच्चों, काफी दिनों के बाद आपसे मुखातिब होने का मौका मिला है। तो बच्चों, आपकी डेट जो है वो भी अनाउंस हो गई है एग्जाम की। अगर हम HSC की बात करें तो ग्राम सचिव, इसके अलावा स्टाफ नर्स और आने वाले समय में जल्दी जो है और भी एग्जाम होने की संभावना। मैं बार बार आपसे बात करता आया हूं कि अपनी तैयारी पुख्ता रखिए, HSC आपको टाइम नहीं देगी, नहीं देगी, नहीं देगी। फिर एक बार फिर कह रहा हूं बच्चों, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, आने वाले एग्जाम भी जल्दी लेगी HSC। कमर कस लीजिए और पूरी तैयारी कीजिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से। अब तो ऑफलाइन कोचिंग भी जो स्टार्ट हो चुकी है, तो आप ऑफलाइन कोचिंग में भी आ सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का जो ध्यान रखते हुए, इसके अलावा मास्क आदि का प्रयोग करते हुए जो प्रॉपर नॉर्म उनके तहत। और जो ऑफलाइन में नहीं आ सकता वो ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ सकता है। बच्चों, तो जो हमारा ऑफर था वो भी हमने 18 तारीख तक एक्सटेंड कर दिया है। कुछ तकनीकी खराबी जो आई थी ऐप में जिससे कई बच्चे जो अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए, तो 18 तारीख तक जो है 18 नवंबर तक जो ऑफर था वो एक्सटेंड हो गया है। बच्चों, इसके साथ ही एस्टेट भी अनाउंस हो गया 2-3 जनवरी का। तो अब डेली जो आपके बीच आके बच्चों आपकी तैयारी को और मजबूत करने की दिशा में जो हम आगे काम करेंगे, और आप लोगों से भी उम्मीद करते हैं कि उससे भी ज्यादा आप हमको सपोर्ट करोगे। जितना आप हमें सपोर्ट करोगे उससे ज्यादा हम आपके लिए, उससे ज्यादा उत्साह से आपके लिए काम करेंगे। बच्चों, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। पहला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किसका हाल ही में निधन हुआ जिन्हें प्रदेश की पहली महिला सांसद होने का गौरव प्राप्त है। तो बच्चों, हाल ही में प्रदेश की पहली महिला सांसद का जो है वो निधन हुआ है, ठीक है। तो वो इनमें से कौन सी है, सन्नो देवी या प्रसन्नी देवी, सनेलता या चंद्रावती। तो बच्चों, हाल ही में जिनका निधन हुआ, जो प्रदेश की पहली महिला सांसद होने का गौरव रखती हैं, वो है चंद्रावती। बच्चों, चंद्रावती के बारे में आप जानते होंगे कि जो हमारा 22वां जिला जो बना चरखी दादरी, उसके डालनवास गांव से संबंध रखती हैं, बाजड़ा क्षेत्र में जो है निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यह हमारे हरियाणा की पहली सांसद रही है, पहली महिला सांसद 1970 में बनी थी। और हमारे जो दिग्गज नेता थे हरियाणा के, जो हरियाणा के लोह पुरुष कहलाते हैं, आधुनिक हरियाणा के निर्माता, आधुनिक हरियाणा के शिल्पी, आधुनिक हरियाणा के वास्तुकार जो कहलाते हैं, चौधरी बंसीलाल लेघा, जो हरियाणा के सबसे युवा मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उनको इन्होंने हराया था। बच्चों, उनको हराकर यह जो पहली महिला सांसद बनी थी, और थोड़े बहुत मार्जिन से भी नहीं, 1 लाख से ज्यादा वोटों से जो है इन्होंने चौधरी बंसीलाल को हराया था। 67% से ज्यादा वोट जो इन्होंने प्राप्त किए थे। इसके अलावा ये पहली महिला विधायक होने का गौरव भी रखती हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं इनसे रिलेटेड, आपको ये डिटेल से पढ़ना चाहिए। और हाल ही की घटना है, 15 नवंबर 2020 को इनका कोरोना के कारण जो निधन हुआ है। बच्चों, ठीक है, पुडुचेरी की उपराज्यपाल भी रही, 1990 में पुडुचेरी की उपराज्यपाल बनाई गई। सबसे कम उम्र की महिला विधायक होने का गौरव भी इन्हें प्राप्त है। हमारे हरियाणा की सबसे कम उम्र में महिला विधायक होने का गौरव प्राप्त है चंद्रावती को। इसके अलावा बच्चों, अगर हम बात करें विपक्ष के, जो नेता हैं, विपक्ष जो दल, विपक्षी दल होता है, उसके नेता के रूप में चुनी जाने वाली पहली महिला भी कौन थी, चंद्रावती थी। बच्चों, ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, इन्होंने पंचगांव में जो है गुरुकुल में अध्यापिका के रूप में जो है वो नौकरी की थी, और उसके लिए उन्होंने वेतन भी नहीं लिया था। बहुत बड़े बड़े पदों पर रही हैं, उसके बावजूद एक साधारण जीवन जो व्यतीत करती थी। बच्चों, ठीक है, तो अगर हम इनकी भी बात कर लेते हैं, इनसे रिलेटेड भी हरियाणा HSC जो है, हरियाणा SSC ने बड़े अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं। सन्नो देवी, आपको याद होगा बच्चों, हरियाणा विधानसभा की पहली अध्यक्ष, अध्यक्षा कहेंगे वैसे तो, हरियाणा विधानसभा की पहली अध्यक्षा कौन, सन्नो देवी। बच्चों,
ठीक है, कब से कब तक रही थी ये? आप जो कमेंट करके बताइए कब से कब तक रही। 6 दिसंबर 1966 से 17 मार्च 1967 तक। तो ये किसी भी प्रांत की, हरियाणा की नहीं बच्चों, हमारे भारत की अगर बात करें, किसी भी प्रांत की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? सन्नो देवी। तो हमारे हरियाणा की जो पहली विधानसभा बनी थी उसमें 6 दिसंबर 1966 से 17 मार्च 1967 तक जो है ये विधानसभा अध्यक्ष रही। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एचएसएससी ने इनके बारे में पूछा है, ये डिप्टी स्पीकर के पद पर भी काम कर चुकी हैं, डिप्टी स्पीकर के पद पर भी ये काम कर चुकी हैं। संयुक्त पंजाब में 1962 से 1966 तक यह क्वेश्चन एचएसएससी पूछ चुकी बच्चों। 1962 से 1966 तक जब हरियाणा नहीं बना था उस टाइम संयुक्त पंजाब में यह डिप्टी स्पीकर के पद पर कार्यरत रही, और जैसे ही हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को, तो जब पहली विधानसभा बनी उसमें 6 दिसंबर 1966 से 17 मार्च 1967 तक यह क्या रही? हमारे प्रदेश की विधानसभा अध्यक्ष जो है यह रही। तो बच्चों इसके अलावा अगर हम प्रसन्नी देवी की बात करें तो 6 बार विधायक रही है, ये सर्वाधिक बार हरियाणा में विधायक रही हैं। कौन? प्रसन्नी देवी। कितनी बार? 6 बार। बच्चों चंद्रावती भी 6 बार विधायक रही हैं। एमएलए कितनी बार रही हैं? 6 बार। लोहारू और बाडड़ा विधानसभा क्षेत्र से चंद्रावती 6 बार विधायक रही हैं, और 6 बार प्रसन्नी देवी भी जो है वो विधायक रही हैं। बच्चों सबसे पहले प्रसन्नी देवी की अगर हम बात करें तो हरियाणा के गठन से पहले जो है 1962 में विधायक बनी, फिर 67 में बनी, उसके बाद 68 में बनी, 72 में, फिर 82 में, 2005 में विधायक बनी। बच्चों अगर हम बात करें सनेलता जो हिसार से संबंध रखती हैं, ये भी संयुक्त पंजाब में जो है विधायक रह चुकी, 1957 में पहली बार विधायक बनी थी। तो इन्हें भी जो है वो पहली महिला विधायक होने का गौरव प्राप्त है, सनेलता हिसार। तो बच्चों ये चारों के चारों नाम बड़े इंपॉर्टेंट हैं। सन्नो देवी पहली विधानसभा अध्यक्ष किसी भी प्रांत की, हरियाणा की नहीं, किसी भी प्रांत की, 6 दिसंबर 1966 से 17 मार्च 1967 तक। उससे पहले डिप्टी स्पीकर रही संयुक्त पंजाब में 1962 से 66। प्रसन्नी देवी 6 बार विधायक रही, संयुक्त पंजाब में विधायक बनी थी पहली बार 1962 में, सर्वाधिक बार विधायक बनने का जो कारनामा इन्होंने किया महिला के तौर पर। इसके अलावा चंद्रावती भी 6 बार विधायक रही लोहारू और बाड़ा विधानसभा क्षेत्र से। सनेलता हिसार की जो है ये जो है 1957 में संयुक्त पंजाब में जो है ये क्या बनी थी? विधायक। तो पहली हरियाणा की महिला विधायक इन्हें भी कहा जाता है और चंद्रावती को भी कहा जाता है। बच्चों ये ध्यान रखना। तो चंद्रावती के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये है चंद्रावती, जन्म 3 सितंबर 1928 को हुआ, डालनवास सरखी दादरी बाड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंदर आता है। मृत्यु 15 नवंबर 2020 को कोरोना के चलते इनकी मृत्यु हुई, 92 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हुई। बच्चों पहली सांसद, पहली महिला सांसद 1977 में चौधरी बंसीलाल को हराया, 67.62% जो मत थे, वोट थे, वो इन्होंने प्राप्त किए। बच्चों और इससे रिलेटेड पीडीएफ जो है बच्चों वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है केसी पब्लिकेशन वो आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल जो है कृष्णिया क्लासी जो है ये भी आप ज्वाइन कर सकते हो। 1990 में पुडुचेरी की उपराज्यपाल बनाई गई, हरियाणा विधानसभा में पहली विधायक। इसके अलावा बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में पहली महिला अधिवक्ता, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की पहली जो महिला अधिवक्ता थी वो कौन थी? वो भी चंद्रावती। सबसे कम उम्र की महिला विधायक हरियाणा में वो भी चंद्रावती, और सबसे कम उम्र के विधायक की अगर हम बात करें इस विधानसभा क्षेत्र में तो हमारे उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला। विपक्ष में विधायक दल की नेता का पद पाने वाली पहली महिला, ठीक है, पाने वाली पहली महिला भी कौन है? चंद्रावती। बाड़ला लोहारू से 6 बार विधायक, पहली महिला विधायक व सांसद। पंचगावा में कन्या गुरुकुल में अध्यापिका की नौकरी की और वेतन भी नहीं लिया, हमेशा शादी जो जीवन है। बच्चों इनकी शादी हुई, थोड़े समय बाद इनके पति की मृत्यु हो गई, इनके कोई संतान भी नहीं थी। बच्चों तो ताउम्र जो है इन्होंने समाज सेवा की है। इसके अलावा एक साधारण
व्यक्तित्व की तरह जो है इन्होंने जीवन यापन किया। तो ऐसी हस्ती को हम सत सत नमन करते हैं। आगे चलते हैं बच्चों, दूसरा क्वेश्चन देखिए। पीजीआई रोहतक में कोरोना वैक्सीन के तीसरे चरण के लिए लगभग कितने वॉलंटियर्स को शामिल किया गया है? बच्चों पीजीआई रोहतक, आप सभी इस नाम से परिचित हो, किसके नाम पे पीजीआई रोहतक का नाम रखा गया, यह क्वेश्चन कई बार हरियाणा एसएससी ने पूछा है बच्चों। तो वो है हमारे हरियाणा के पहले जो मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा के नाम पे जो है इनका नाम रखा गया पीजीआई रोहतक का। इसके अलावा बच्चों हमने ये भी पढ़ा है, ये भी क्वेश्चन आया है कि पंडित भगवत दयाल शर्मा जो है किस विधानसभा क्षेत्र से आते थे, तो बेरी विधानसभा क्षेत्र से वो आते थे। ठीक है, तो बच्चों कोरोना वैक्सीन का तीसरा चरण जो है वो थर्ड फेज जो है उसके ट्रायल के लिए कितने वॉलंटियर्स को शामिल किया गया बच्चों? बच्चों पहले चरण में 50 वॉलंटियर शामिल किए, दूसरे में 80 शामिल किए, तो अब तक 130 वॉलंटियर पे जो है वो काम किया पहले और दूसरे चरण में, और उनके बड़े अच्छे जो है रिजल्ट आए, उनमें एंटीबॉडीज का निर्माण हुआ। अगर हम बात करें दूसरे फेज की, तो दूसरे फेज में 12 वर्ष के किशोरों से लेकर 65 वर्ष की आयु तक के लोगों को इसमें शामिल किया गया और उसमें कोई साइड इफेक्ट जो है वो दिखाई नहीं दिए। तो अब तीसरे फेज का जो ट्रायल है वो शुरू हो गया और उसके लिए कितने वॉलंटियर्स को शामिल किया गया है? तो 1200 वॉलंटियर को शामिल किया गया बच्चों, कितने? 1200 को। ठीक है, और अगर देश की बात करें पूरे देश में, तो 26,000 वॉलंटियर जो है वो ट्रायल के लिए चुने गए हैं तीसरे चरण के ट्रायल के लिए। कितने पूरे देश में? 26,000 वॉलंटियर, प्रदेश में कितने? 1200 वॉलंटियर। ठीक है, तो इसमें जो है 1200 जो वॉलंटियर चुने गए हैं, इनमें प्राथमिकता जो है किसको दी गई बच्चों? एक तो जो हेल्थ केयर वर्कर हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स को शामिल किया गया। इसके अलावा जो क्रोनिक जो मरीज हैं उनको शामिल किया, उन पे ट्रायल किया जाएगा और ये ट्रायल सफल होने के बाद जो है जल्दी कोरोना की वैक्सीन जो बाजार में उपलब्ध करवाई जाएगी बच्चों। ठीक है, तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए। अल्पसंख्यक युवाओं को स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग देने के लिए प्रदेश के कितने विश्वविद्यालयों को जिम्मेदारी सौंपी गई है? बच्चों अल्पसंख्यक युवाएं, आपको अगर ध्यान हो तो अल्पसंख्यक आयोग है हमारे यहां, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, आयोग अधिनियम 1992, इसके अंतर्गत कौन कौन से हमारे प्रदेश में अल्पसंख्यक जो हैं वो श्रेणी में शामिल किए गए हैं? मुस्लिम के अलावा बच्चों सिख, इसके अलावा बौद्ध, जैन, पारसी। ठीक है, इनको शामिल किया गया है। तो अल्पसंख्यक युवाओं को स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग देने के लिए प्रदेश के कितने विश्वविद्यालयों को जिम्मेदारी सौंपी गई है? तो बच्चों दो विश्वविद्यालयों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो वो दो विश्वविद्यालय कौन से हैं आपको जो कमेंट करके बताना है। पहला है चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय। बच्चों चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय कहां है? जींद में। कहां है बच्चों? जींद में। ठीक है, तो चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय जो, इसमें 1900 युवाओं को स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दी जाएगी, लेकिन वो युवा होने चाहिए अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक में हमारे यहां मुस्लिम, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी जो ये आते हैं बच्चों, इनके 1900 युवाओं को जो है वो ट्रेनिंग देगी यूनिवर्सिटी, और इसके लिए 8 करोड़ से अधिक का बजट जो जारी किया गया है, 8 करोड़ से अधिक का बजट जारी किया है बच्चों। ठीक है, तो चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ते हैं बच्चों। ये जींद में बच्चों 2014 में 25 जुलाई 2014 को इसका उद्घाटन किया गया। पहले 2007 में एक कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्रा का रीजनल सेंटर जो इसको स्थापित किया गया था, फिर 25 जुलाई 2014 में इसको जो यूनिवर्सिटी बना दिया गया। और अगर हम बात करें इस यूनिवर्सिटी का नाम हमारे हरियाणा के एक स्वतंत्रता सेनानी, महान स्वतंत्रता सेनानी चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा के नाम पर रखा गया है। चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिता हैं बच्चों, रोहतक के सांगी गांव से संबंध रखते हैं। तो इनके बारे में 3 क्वेश्चन बड़े अच्छे पूछे हरियाणा एसएससी ने। बच्चों मैं आपको सिर्फ करंट अफेयर नहीं करवा रहा हरियाणा की, उससे रिलेटेड जो स्टैटिक जीके है वो भी हम करेंगे और बार बार करेंगे। तो आप भी अपनी कमर कस लीजिए, फिर कहता हूं आपको
तो तीन क्वेश्चन बड़े अच्छे इन्होंने पूछे हैं चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा के बारे में, कौन कौन से। पहला, जो जब हमारा भारत आजाद हुआ और उसके बाद हमारे देश के संविधान का निर्माण किया गया, तो जो संविधान निर्मात्री सदस्य जो सभा थी, संविधान निर्मात्री सभा, उसके सदस्य होने का गौरव प्राप्त है चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा को। ठीक है, जो भारत की संविधान निर्मात्री सभा थी उसके हरियाणा से एकमात्र सदस्य थे चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा। दूसरा बच्चों, जो इनके बारे में क्वेश्चन हरियाणा एसएससी ने पूछा, ये भारतीय लोकतंत्र के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं, भारतीय लोकतंत्र के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें अलग अलग 7 सदनों का सदस्य होने का गौरव प्राप्त है, और इसके लिए इनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है। भारतीय लोकतंत्र के एकमात्र ऐसे सदस्य जिन्हें अलग अलग 7 सदनों का, अलग अलग सदन, जैसे हम ये कहे बच्चों विधानसभा एक सदन है, लोकसभा एक सदन है, तो अलग अलग 7 सदनों का सदस्य होने का गौरव प्राप्त है, और इसके लिए इनका नाम लिम्का बुक जो रिकॉर्ड्स है उसमें दर्ज है। इसके अलावा पीछे बच्चों हरियाणा एसएससी ने इनके बारे में एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था, अगर आप लोगों को ध्यान हो, कि इन्होंने किस महासंघ की स्थापना की थी, किस महासंघ की स्थापना की थी चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा ने, कमेंट कीजिए बच्चों। भारत कृषक समाज और अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग महासंघ, इनके संस्थापक चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा। तो ये तीनों क्वेश्चन जो हैं हरियाणा एसएससी इनके बारे में पूछ चुकी है बच्चों। जो संविधान निर्मात्री सभा उसके सदस्य रहे, भारतीय लोकतंत्र के एकमात्र व्यक्ति जिन्हें अलग अलग 7 सदनों का सदस्य होने का गौरव प्राप्त है, इसके अलावा बच्चों भारत कृषक समाज और अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग महासंघ के संस्थापक चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा। तो बच्चों एक यूनिवर्सिटी तो कौन सी, चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय जींद, और दूसरी श्री विश्वकर्मा। कमेंट करके बताना बच्चों यूनिवर्सिटी कहां है। श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी, श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी कहां स्थित है बच्चों? तो यह है बच्चों पलवल के दुधोला गांव में जो है 2016 में स्थापित की गई। कब? 2016 में। लेकिन यहां एक बात विशेष रूप से ध्यान देना, अभी तक वाइस का कैंपस नहीं बना है। तो ये दो क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन भी बच्चों पूछा हुआ है कि श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी, ठीक है, या श्री विश्वकर्मा हिंदी में कहते कौशल विश्वविद्यालय, कहां स्थापित किया गया? यह पलवल के दुधोला में 2016 में, लेकिन वहां इसका कैंपस तैयार नहीं है। तो इसकी अस्थायी रूप से इसकी जो क्लासें हैं वो कहां चल रही है? गुरुग्राम में। वर्तमान में कहां इसकी क्लासें चलती हैं? गुरुग्राम में लगता है बच्चों, ये जब तक वहां कैंपस तैयार नहीं होगा। तो यह भी क्वेश्चन आया कि इसका अस्थायी कैंपस कहां है? गुरुग्राम में। और इसका स्थायी कैंपस कहां है? पलवल के दुधोला में। ठीक है, तो इसके वीसी हैं श्री राज नेहरू जो है वीसी हैं इसके। और अगर बच्चों चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय के वीसी की अगर हम बात करें, तो इनके वीसी हैं राजवीर सोलंकी, CDLU चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय सिरसा के भी वाइस चांसलर हैं। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर लगभग कितने किसानों के खाता नंबर गलत मिले हैं? बच्चों सरकार ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पे जो है वो किसानों के जो है फसलों को रजिस्टर्ड करवाया था, और आपको पता होना चाहिए कितने रजिस्टर्ड हैं। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर लगभग जो है 7.5 लाख से 8 लाख किसान जो है वो रजिस्टर्ड हैं। इनमें से बच्चों जो 4 लाख हैं, 4 लाख जो किसान हैं, उनको जो पेमेंट है
वो आढ़तियों के द्वारा दी जाएगी, आढ़तियों के द्वारा पेमेंट दी जाएगी, क्योंकि किसानों के पास ऑप्शन था बच्चों कि वो डायरेक्ट अपने खाते में पेमेंट ले सकते हैं या आढ़तियों के द्वारा। और जो 3.5 लाख हैं उनको जो है डायरेक्ट जो है वो सरकार जो उनके खातों में पेमेंट देगी फसल की। और इन 3.5 लाख में से 48,000 किसानों के जो है वो खाता नंबर गलत मिले हैं, जिससे उनकी फसल की पेमेंट करने में जो बड़ी दिक्कत आ रही है। अब इसका समाधान किसान जो सरकार है वो कर रही है कि उन किसानों को SMS के द्वारा या उनको कॉल करके जो है उनके खातों से संबंधित जो जानकारी है वो सही भरवाई जा रही है, ताकि उनको जो पेमेंट समय पे दी जा सके। और जो आढ़तियों के द्वारा पेमेंट किसानों को जाएगी उसमें भी धान की फसल में एक प्रावधान है कि आढ़तियों के खाते में जैसे ही पेमेंट आई 3 दिन के अंदर उसको किसान का भुगतान करना है। अगर वो 3 दिन के अंदर किसान का भुगतान नहीं करता तो फिर सरकार क्या करेगी, उसको जो किसान को ब्याज समेत जो है वो राशि दिलवाएगी उसके खाते से ब्याज समेत। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों। भावांतर भरपाई योजना में कितनी बागवानी फसलें शामिल की गई हैं बच्चों? अगर हम बात करें भावांतर भरपाई योजना, आप जानते हो बच्चों कि जो मूल्य निश्चित किया गया सरकार द्वारा फसलों का, अगर उससे कम मूल्य पे फसलें बिकती हैं तो भाव में क्या हो गया, अंतर, भाव में अंतर है, तो उस अंतर को कौन पूरा करेगा, उस अंतर को सरकार पूरा करेगी। ठीक है, मान लिया किसी बागवानी का या किसी सब्जी का 10 रुपए सरकार ने मूल्य निर्धारित किया और वो 8 रुपए में बिकती है, तो ये 2 रुपए का भाव में अंतर आ गया तो ये सरकार देगी किसानों को। तो कितनी बागवानी फसलें इसके अंदर शामिल की गई भावांतर भरपाई योजना में? तो बच्चों अब टोटल कितनी हो गई है, 19। कितनी हो गई है, 19। आपको पता है इनमें शिमला मिर्च है, अदरक है, बंद गोभी है, शिमला मिर्च, अदरक, बंद गोभी, बंद गोभी, शिमला मिर्च है, अदरक है, बंद गोभी बच्चों, भिंडी है, गाजर है, बैंगन है, भिंडी, गाजर, बैंगन। तो इस तरह जो बच्चों 19 फसलें हैं, शिमला मिर्च है, बैंगन है, अदरक है, भिंडी है, गाजर है, बंद गोभी है, मूली है, प्याज है, आलू है, मूली, प्याज, आलू, टमाटर, करेला। ठीक है, इसके अलावा फूल गोभी, हरी मिर्च, हल्दी, फूल गोभी, हरी मिर्च भी इसी में बच्चों, हल्दी भी शामिल की गई है। तो इस प्रकार बच्चों कितनी फसलें शामिल की गई हैं? तो 19 फसलें, शिमला मिर्च, बैंगन है, हल्दी है, अदरक है, भिंडी, गाजर, बंद गोभी, मूली, प्याज, आलू, टमाटर, करेला, इसके अलावा फूल गोभी, बंद गोभी, फूल गोभी दोनों है, हरी मिर्च है, हल्दी, इसके अलावा बच्चों मटर, लौकी, आम, अमरूद, किन्नू, मटर भी है, लौकी भी है, अगर फलों की बात करें तो आम भी है, अमरूद भी है और किन्नू भी है। तो ये हो गई क्या 19। शिमला मिर्च 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, तो ये शामिल की गई बच्चों। कितनी बागवानी फसलें शामिल की गई, 19। तो नेक्स्ट देखिए अगला, हरियाणा MSP यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सबसे ज्यादा फसलों को खरीदने में कौन से स्थान पर रहा है बच्चों? हरियाणा जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सबसे ज्यादा फसलों को खरीदने के मामले में अगर हम बात करें तो वो देश में पहले स्थान पर रहा है। कितने, कौन से स्थान पे, पहले स्थान पे रहा बच्चों। ठीक है, अगर हम MSP की बात करें तो सरसों का जो MSP है वो कितना है बच्चों, आपको कमेंट करके बताना है। गेहूं का कितना है, गेहूं का MSP कितना है, मक्का कितना है, मक्का, मूंगफली,
तो बच्चों आपको पता होगा सरसों जो है वो 4650 रुपए एमएसपी उसका सरकार द्वारा निर्धारित किया गया 4650। बात करें गेहूं की तो 1975 रुपए जो है एमएसपी उसका निर्धारित किया गया, न्यूनतम समर्थन मूल्य 1975 रुपए है। मक्का की बात करें तो बच्चों 1850 है और मूंगफली 5275 रुपए है, 5275 रुपए, ठीक है। अच्छा बच्चों कमेंट करके बताइए इसके बाद मूंग कितना है, मूंग 7195 रुपए, मूंग कितना है 7195 रुपए जो है वो मूंग का न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित किया गया। सूरजमुखी 5895, सूरजमुखी जो है वो 5895 न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेची जाएगी ऐसा सरकार का कहना है, ठीक है। तो ये हमारी कुछ फसलें हैं, सरसों 4650, गेहूं 1975, मक्का 1850, मूंगफली 5275, मूंग 7195 और सूरजमुखी जो 5895। इसके अलावा धान, धान और गेहूं तो आपको याद होने ही चाहिए, धान और गेहूं तो याद होने ही चाहिए बच्चों। धान 1868, क्यों, हरियाणा में सबसे ज्यादा कौन सी फसल का उत्पादन होता है, गेहूं का, 1975 न्यूनतम समर्थन मूल्य। और क्वेश्चन एक बार हरियाणा एसएससी ने क्या पूछा कि सबसे ज्यादा उत्पादित की जाने वाली खरीफ की फसल कौन सी है, तो गेहूं ऑप्शन में था तो बहुत से बच्चों ने गेहूं कर दिया। बच्चों गेहूं रबी की फसल है, उन्होंने पूछा सर्वाधिक होने वाली कौन सी खरीफ की फसल है, तो खरीफ की फसल में धान सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा किसका उत्पादन होता है, ओवरऑल गेहूं का होता है लेकिन वो रबी की फसल है, लेकिन खरीफ की पूछे तो कौन सा है, चावल है। चना 5100 रुपए समर्थन मूल्य है और बच्चों बाजरा, बाजरा 2150 रुपए समर्थन मूल्य है, तो ये आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा बच्चों बार बार गन्ने का जिक्र आता है, गन्ना हमारे हरियाणा में सबसे ज्यादा गन्ना यमुनानगर में, कहा सबसे ज्यादा उत्पादन गन्ने का होता है, यमुनानगर में। एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल सरस्वती शुगर मिल कहां है, एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल यमुनानगर में बच्चों। लेकिन बच्चों शुगर सिटी की अगर बात करें तो यमुनानगर नहीं है, शुगर सिटी रोहतक और पलवल, शुगर सिटी कौन से, रोहतक और पलवल। तो देश में सबसे ज्यादा गन्ने का जो मूल्य वो हरियाणा सरकार द्वारा निर्धारित किया गया, कितना 350 रुपए क्विंटल, गन्ने का मूल्य 350 रुपए क्विंटल, जो कि देश में सर्वाधिक है बच्चों। तो यह भी आपको ध्यान रखना है, देश में गन्ना का मूल्य जो है वो सबसे ज्यादा कहां है, वो हरियाणा में बच्चों, कितना 350 रुपए क्विंटल। आगे चलते हैं बच्चों, हरियाणा में कितने ऐसे स्थल हैं जिनका ऐतिहासिक व पौराणिक दृष्टि से महत्व है और ऐसे स्थलों का संरक्षण करने की दिशा में कार्य करके भावी पीढ़ी को प्राचीन संस्कृति के महत्व के प्रति प्रेरित किया जा सकता है। तो बच्चों अभी हाल ही में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने जो हमारा एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक और स्थल है राखी गढ़ी, कौन सा बच्चों, राखी गढ़ी, आपको ध्यान होगा बच्चों सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है राखी गढ़ी, इसे सिंधु घाटी सभ्यता की पूर्ववर्ती राजधानी भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पूर्ववर्ती राजधानी, सिंधु घाटी सभ्यता की पूर्ववर्ती राजधानी कौन सी है, राखी गढ़ी। और अभी तो है हड़प्पा काल या मोहनजोदड़ो से भी बहुत पुरानी सभ्यता, यहां अभी इसके साक्ष्य मिले हैं कि 8000 साल पुरानी सभ्यता जो है वो यहां विकसित हुई थी 8000 साल पहले भी। तो बच्चों यहां एक विशेष आवरण करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने बात कही कि हमारे प्रदेश में ऐसे ऐसे ऐतिहासिक और पौराणिक स्थल हैं जिनका ऐतिहासिक और पौराणिक दृष्टि से बड़ा महत्व है और ऐसे स्थलों को संरक्षित किया जाना चाहिए जिससे भावी पीढ़ी जो है वो अपनी प्राचीन संस्कृति का महत्व जान सके और उसके प्रति प्रेरित किया जा सके उनको। तो ऐसे कितने स्थलों का उन्होंने जिक्र किया, तो उन्होंने किया बच्चों 100 से अधिक स्थल जो है ऐसे हैं जिनको संरक्षित किया जाना चाहिए
और भावी पीढ़ी को प्राचीन संस्कृति के बारे में बताना चाहिए जिससे वो प्रेरित हो सके। बच्चों जिस पीढ़ी को, जिस युवा पीढ़ी को अपनी संस्कृति, अपनी कला, अपने इतिहास का नहीं पता, वो कभी प्रोग्रेस नहीं कर सकती। जिस युवा पीढ़ी को अपनी संस्कृति, अपनी कला और अपने इतिहास का ना पता, उस पर गौरव ना हो, उस पर गर्व ना हो, तो वो कभी जो है उन्नति नहीं कर सकती या कभी भी उन्नत अवस्था में नहीं जा सकती। बच्चों तो इसके लिए जरूरी है कि उनको अपने इतिहास, कला और संस्कृति के बारे में बताया जाए जिससे वो प्रेरणा ले। ठीक है, तो उनमें से जैसे राखी गढ़ी, बच्चों इसके अलावा जैसे धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र है, इन स्थलों का उन्होंने जिक्र किया, धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र। इसके अलावा बच्चों एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए आगामी परीक्षाओं के लिए कि सिख साम्राज्य की पहली राजधानी कौन सी है, कमेंट करके बताइए। सिख साम्राज्य की पहली राजधानी लोहगढ़ कहां है, यह भी आपको कमेंट करके बताना है। ये ऐसे ऐसे ऐतिहासिक और पौराणिक जो है वो स्थल हमारे हरियाणा में है, और ऐसे ऐसे 100 से ज्यादा स्थल है बच्चों। ठीक है, तो बात कर रहे थे सिख साम्राज्य की पहली राजधानी का होने का गौरव प्राप्त है लोहगढ़ को, तो लोहगढ़ हरियाणा के किस जिले में स्थित है ये आपको कमेंट करके बताना है बच्चों। ठीक है, और अगर हम बात करें कि राखीगढ़ी की, राखीगढ़ में राज्य स्तर का जो पुरातत्व संग्रहालय जो बनाया जा रहा है बच्चों, तो यहां भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग ने इसकी स्थापना की है किसकी सहायता से की है। राज्य स्तर का पुरातत्व संग्रहालय जो राखीगढ़ी में विकसित किया जा रहा है, तो उसकी जो स्थापना है वो पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग ने किसकी सहायता से की है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय डाक विभाग की सहायता से, भारतीय डाक विभाग की सहायता से जो है वो इसकी स्थापना की गई है। तो इस मौके पे हमारे मुख्यमंत्री जो हैं श्री मनोहर लाल जी जो हैं वो विशेष आवरण जब कर रहे थे, उन्होंने इनका जिक्र किया कि 100 से अधिक ऐसे हमारे हरियाणा में ऐतिहासिक और पौराणिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण स्थल हैं उनका संरक्षण किया जाना चाहिए, भावी पीढ़ी को उनके बारे में बताना चाहिए और जिससे वो प्रेरणा ले सकें। ठीक है बच्चों, और इस मौके पर हमारे पुरातत्व एवं संग्रहालय मंत्री भी मौजूद थे, कमेंट करके बताइए हरियाणा के पुरातत्व एवं संग्रहालय राज्य मंत्री कौन है, पुरातत्व एम संग्रहालय कैबिनेट मंत्री नहीं है बच्चों, राज्य मंत्री हैं। तो ये है श्री अनूप धानक, श्री अनूप धानक किस पार्टी से आते हैं, जेजेपी से, किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं बच्चों, जेजेपी पार्टी से आते हैं, किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं श्री अनूप धानक, तो ये उकलाना विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, उकलाना विधानसभा क्षेत्र जो कि हमारे 17 आरक्षित विधानसभा क्षेत्र उनमें से एक है बच्चों। ठीक है, कर लोगे, और इनके पास स्वतंत्र प्रभार है पुरातत्व संग्रहालय विभाग का। तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। बच्चों इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने टीचर को जो सपोर्ट कीजिए। फिर एक बार फिर दोहराता हूं बच्चों, परीक्षाओं का समय नजदीक है, तो अब आप पूरी कमर कस लीजिए और हम भी आपके साथ तैयार हैं, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम जो आपको मटेरियल देने की कोशिश करेंगे, और भी करंट अफेयर के अलावा भी कुछ और सीरीज जो है वो चलाएंगे बच्चों। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए क्लास को, शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।